गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आज हम लोग का टॉपिक। ठीक है, करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ओके, तो अभी तक हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, यानी इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, है ना? तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी वायर में करंट कैसे फ्लो होता है ना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था करंट की डेफिनेशन। ठीक है, कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ये था हमारा। और उसमें भी हमने एक और डेफिनेशन पढ़ा था कि जो एम्पियर होता है, यानी 1 एम्पियर कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये भी सीखा था, है ना? तो पिछले लेक्चर में ये हमने सीखा कि करंट क्या होता है और 1 एम्पियर को हमने डिफाइन किया था, ये था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ना आपके लिए। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कंडक्टर में फ्लो होता है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं क्या, बताइए? तो आंसर है यस, हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम उसको मेजर करते हैं, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अमीटर। ठीक है, तो अमीटर की हेल्प से किसी भी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये जो हमारा अमीटर होता है ना, इसको हम कनेक्शन लेते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, है ना, कंबाइन करते हैं। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वह सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है, आपको पता है सीरीज में होता है। ठीक है, इसको हम फिर से आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम सीरीज में लेते हैं, क्यों हम पैरेलल लेते हैं, है ना, इसको हम आगे सीखेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो हमारा अमीटर होता है वो हमारे सर्किट में हम उसको करेक्ट करते हैं सीरीज कम्बिनेशन में। ओके, अब उसके बाद आता है कि जो हमारा अमीटर होता है उसमें कहीं कहीं रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है ना, और वो जो रेजिस्टेंस होता है वह लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस एक वर्ड आ गया है, आगे फिर से हम रेजिस्टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रेजिस्टेंस का जनरल मीनिंग होता है चार्ज को फ्लो होने में, ठीक है, रोकता है, चार्ज को फ्लो होने में रोकता है। ठीक है, कौन? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रोकने वाला, है ना, कि चार्ज फ्लो ना हो, चार्ज करंट ना हो, यानी उसको फ्लो होने से रोकता है। तो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो चार्ज को फ्लो होने से बहुत ज़्यादा रोकेगा, चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो हमको करंट नहीं मिलेगा, समझ में ना? इसलिए अमीटर में अगर लो रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, लो रेजिस्टेंस, तो चार्ज आसानी से फ्लो होगा और हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं हमको मिल जाएगा। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे ना? बस ये था हमारा, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। फिर से हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये पढ़ा हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर या फिर कंडक्टर, है ना, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी पढ़ा था, और 1 एम्पियर को डिफाइन भी किया था। 1 एम्पियर क्या होता है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला मिला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई फॉर करेंट, क्यू फॉर चार्ज है, टी फॉर टाइम है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, आई टी हो गया, और क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है क्या, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यस। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने क्या पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये कहाँ से मिला था हमको, ठीक है, ये मिला था आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो हम Q के प्लेस पर क्या रख दिए, एन ई, तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, I है करंट, T है आपका टाइम, ये था हमारा। ठीक है, और अभी भी हमने जो आज पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि करंट को मेजर करने के लिए एक हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए,
ठीक है, उसको लिख लेते हैं. करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या होगा, वेरी गुड, अमीटर. ये हमारा होगा, ठीक है. और अमीटर को हम अपने सर्किट में ऑलवेज कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, ठीक है, विथ वेरी लो रेजिस्टेंस. लिख लो, ऑलवेज कनेक्ट इन सर्किट इन सीरीज, ठीक है, विथ लो रेजिस्टेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, लो रेजिस्टेंस. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, है ना, ये एक कंडक्टर है. अब इस कंडक्टर में अगर हम कहीं ना कहीं पोटेंशियल यूज करेंगे, है ना, कोई एनर्जी यूज करेंगे, अभी हम आगे इसको भी पढ़ेंगे, है ना. तो जब हम ये हमारा की, ये हमारा पोटेंशियल, यानी हमने मान लिया सोर्स जो हमारा है वो हमारा भी है, है ना, पोटेंशियल भी है, और ये जो है आपका, ये है आपका कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है. तो अब जैसे ही हमने स्विच को यहाँ पर क्लोज किया तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा. तो अब करंट फ्लो होना शुरू होगा इस कंडक्टर में, है ना. तो इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हुआ उसको हम मेजर करना चाहते हैं, और किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, आंसर है अमीटर से. तो हमको इसके पाथ में एक क्या लगाना पड़ेगा, अमीटर. ये रहा आपका अमीटर, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, मान लीजिए आपका अमीटर, ठीक है. तो ये जो आपका अमीटर है, ये जो कंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है वह कहीं कहीं सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, बस ये हमारा है. तो इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है अमीटर हमारा मेजर करके हमको बताएगा, ठीक है. तो ये टर्म थे, ठीक है. अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ हमारे न्यूमेरिकल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है. इसको नोट कर लीजिएगा, ओके. तो ये है आपका न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल को, है ना, आप थोड़ा सा करने का प्रयास करिए, आपको आता है, ठीक है. अब मुझे पता है आपको आता है, ठीक है, ओके. तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप कैलकुलेट करिए मेरे साथ, ठीक है, या फिर आप करके हमें आप आंसर बताइए, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, हम करते हैं फिर 1 पर आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कैलकुलेट द करेंट इन ए वायर. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो आंसर है हमको करेंट कैलकुलेट करना है. ये रहा करेंट, है ना, ओके, इन ए वायर, ओके. फिर क्या है, इफ 1500 कूलम चार्ज इज पास्ड, ठीक है. तो कंडक्टर में यानी वायर में कितना चार्ज पास हो रहा है, 1500 कूलम चार्ज पास हो रहा है, यानी चार्ज हमको दिया हुआ है. तो ये रहा आपका चार्ज, q इज इक्वल टू 1500 कूलम, ठीक है, ये दिया हुआ है. इज पास्ड थ्रू इट, कंडक्टर वायर में से जो चार्ज पास हुआ वह 1500 पास हुआ. इट इन 5 मिनट, 5 मिनट में. तो हमको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. तो ये रहा आपका टाइम, 5 मिनट में दिया हुआ है, ठीक है. बस आपको करंट पूछा है, तो करंट, चार्ज और टाइम का रिलेशन मुझे पता है, करंट के डेफिनेशन से ही, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यस, ठीक है. तो ये I इज इक्वल टू आपको मिला क्यू बाई टी, ठीक है. तो आपको क्या पूछा है, I, तो ये रहा Q बाई टी, यानी Q बाई टी 1500 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 300, और एम्पियर आ जाएगा, ठीक है. ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा. तो हमने आपको बताया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका. सबसे पहले न्यूमेरिकल में दिया क्या है उसको लिख लीजिएगा, और वे जो फिजिकल क्वांटिटी दी हैं न्यूमेरिकल में, है ना, उनको देखिए क्या उनकी जो यूनिट है एक सिस्टम में है कि नहीं, एसआई में, एमकेएस में, सीजीएस में, किसी एक सिस्टम में, ठीक है या नहीं.
अगर एक सिस्टम में है तो बस डायरेक्ट आप रख जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर एक सिस्टम में नहीं है तो आपको यस उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा एक सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलाम, यानी ये एसआई यूनिट तो है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम तो है, बात सही है। लेकिन ये टाइम जो है, तो टाइम की एसआई यूनिट हमें पता है ना, टाइम आपको मिनट में दिया हुआ है। तो जब चार्ज हमको एसआई में दिया है तो टाइम को भी हमको एसआई में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो 5 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लो, अब रखो आंसर ले जाओ, ठीक है। तो ये रहा 5 × 60 = 300, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। अब ये रहा आपका टाइम, तो अब I = Q/T, Q का वैल्यू क्या है, वेरी गुड, 1500/, और ये है आपका कूलाम, है ना, और ये है आपका 300, 0 से 0 ये मर गया और ये बचा 5 और ये सेकेंड है, तो आपको मिला 5 कूलाम पर सेकेंड, और कूलाम पर सेकेंड को ही बोलते हैं यस एम्पियर। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। I = ठीक है, क्या मिल गया, I = यहीं लिख लो, I = ठीक है 5 एम्पियर। ये रहा आपका, सही है, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर, और ये आपका आंसर है ना। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे जगह यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंडक्टर कैरीज ए करेंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यस, ठीक है। तो ये कहीं कहीं आपको एक कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, तो हम लोग लिख लेते हैं करंट हमको क्या दिया हुआ है, आंसर है 0.2 एम्पियर दिया हुआ है, यस, ये दिया हुआ है करंट आपका, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, आपको चार्ज पूछा है, चार्ज कितना होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू ऑफ द कंडक्टर, उसी कंडक्टर वायर में चार्ज का अमाउंट क्या होगा जो पास होगा, ठीक है, इन 30 सेकेंड में। तो ये आपको टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड में, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है आगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, इसी टाइम इंटरवल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n फ्लो होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी टाइम में कितना फ्लो होगा, ये आपको पूछा है, यानी n भी पूछा है, है ना, यस, ये हमको पूछा है ना, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको I दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, Q आपको निकालनी है। तो हम लोग I, Q और T के बीच रिलेशन जानते हैं जो कि हमारा डेफिनेशन ही होता है करंट का, ठीक है। I = क्या होता है, Q/T, तो ये रहा आपका I = Q/T। अब Q = क्या मिल जाएगा यहाँ से, Q = I का मल्टीप्लाई टी के साथ, यानी टी का मल्टीप्लाई आई के साथ, तो ये हो गया Q = I × T, ये मिला आपको, ठीक है। बस अब क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो Q = I × T, आई का वैल्यू क्या है 0.2 है इंटू क्या है टी है, टी की वैल्यू 30 है, ये रहा 30। तो Q = आपको क्या मिल जाएगा बताइए, यस 6 मल्टीप्लाई करोगे ना 6 आएगा, और ये भी कहीं कहीं देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है आई एसआई यूनिट में है, टी एसआई में है, तो जो चार्ज की यूनिट मिलेगी वो भी कहीं कहीं हमको एसआई में मिलेगा, इसलिए क्यू की वैल्यू आया आपका 6 कूलाम, ये समझ में आता है, ओके।
अब क्या पूछा है, है ना? अब पूछा है हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है? मेनी इलेक्ट्रॉन यानी हाउ मेनी, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इसी टाइम इंटरवल में, ठीक है? बस आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू इज इक्वल टू, यही क्यू इज इक्वल टू आंसर है एन ई होता है, है ना? तो क्या पूछा है, एन की वैल्यू पूछा है, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ई। बस अब क्यू की वैल्यू आपको पता है 6 कूलाम रखो, और ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, है ना? अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो ये करिए, अब यहां पे मैं इरेज करता हूं तो उसको सॉल्व करके आपको बताता हूं, ठीक है? ओके, तो वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई है, क्यू का वैल्यू है 6 कूलम, e का वैल्यू आपको पता है, तो यहां से आपको मिला n इज इक्वल टू 6 कूलम डिवाइड बाई e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से तो कूलम मर जाएगा, है ना, ठीक है? यस, अब n इज इक्वल टू 6 बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, डिनोमिनेटर है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है? तो ये हुआ 10 के पावर 19, है ना? अब 6 में 1.6 का डिवाइड करो, तो ये 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, 10 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो ये जाएगा 60 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर 19, है ना? ये डेसिमल आपका हट जाएगा, डेसिमल आपका रिमूव हुआ ना, 10 का मल्टीप्लाई किया, ये रहा आपका। तो कैंसिलेशन कराओ, 230 जा 60 एंड 28 जा, ठीक है, और ये आपका 215 और ये 24 जा, ठीक है, 15 बाई 4, है ना? तो n इज इक्वल टू 15/4 इंटू 10 के पावर 19, है ना? तो फिर से यहाँ पे n की वैल्यू 15/4, 4 3 12 12 और 3 15, 4 7 28, 28 2 20, ये रहा 5 × 10 के पावर 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ठीक है? ये रहा आपका आंसर। तो ये न्यूमेरिकल रहा आपका दो, ठीक है? तो अब यहाँ तक करिए, फिर से हम आपको कुछ और न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपके पास दो न्यूमेरिकल और हैं, है ना? तो इन दो न्यूमेरिकल को फिर से आप वीडियो को पॉज करो और आप सॉल्व करो, ठीक है? और अपने आप को देखिए आता है कि नहीं, ठीक है? ओके, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल, ठीक है, कर लोगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कर लोगे, है ना? इसका सिर्फ एक ही तरीका है ना, कि आपके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी टाइप का हो, ठीक हो, या तो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, ठीक है, रिटेन हो, ऑब्जेक्टिव हो, असर्शंस रीजन का हो, फिल इन द ब्लैंक हो, टिक द करेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, बाकी कर जाओगे, ठीक है? ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन हमें आता है कि नहीं, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रा अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है? तो एक हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, रेजिस्टेंस है यानी इलेक्ट्रिक आयरन है, ओके, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितने का करंट फ्लो हो रहा है, आंसर है 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यह एक कंडक्टर है सपोज, ठीक है, तो इसमें करंट कब फ्लो होगा बेटा जी, इसमें करंट कब फ्लो होगा, जब इसमें हम कोई सोर्स ऐड करेंगे, सोर्स जोड़ेंगे तभी ना, यस, और जो हमारा सोर्स है वह कहीं कहीं हमारे पास एक सेल या फिर बैटरी होती है ना,
या फिर जो हमारे घरों में करंट आता है, कहाँ से आता है, हमारे बिजली के खंभों से, ठीक है, वो हमारा भी सोर्स है, यस। तो ये आपका स्विच, ठीक है, और ये आपका पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक सोर्स, बैटरी है, ठीक है, सेल है, कोई भी है। तो अब ये हमारा सोर्स हुआ जिससे हमारा इलेक्ट्रिक आयरन चल सके। तो इसमें करंट फ्लो होता है कब, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, तो अब इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। तो ये अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो हुआ आयरन में, जो करंट फ्लो हुआ वो कितने का करंट फ्लो हुआ, 0.5 एम्पियर का, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हुआ वो हुआ 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। बात समझ में आ गई, आंसर यस। व्हेन वोल्टेज, व्हेन इलेक्ट्रिक सोर्स यानी वोल्टेज, व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्ट, तो ये जो हमने सोर्स एड किया है, सोर्स, ठीक है, ये कितने का है, तो आंसर है 200 वोल्ट का है, 200 वोल्ट का हमने सोर्स लगाया, और ये आपका की है, स्विच, ठीक है, ये लगाया, तभी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये रहा आपका सोर्स, सोर्स रहा। फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, क्यू की वैल्यू पूछा है आपको, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। फ्लोइंग थ्रू इट इन वन आवर, वन आवर में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा इस इलेक्ट्रिक आयरन में, ये आपको बतानी है, ठीक है। और आपको टाइम दिया है कितने समय तक, तो आंसर है वन आवर तक 0.5 करंट जो है इलेक्ट्रिक आयरन में पास हो रही है। तो बताइए आपको बतानी है कि चार्ज कितना फ्लो होगा, तो t बराबर दिया है वन आवर, है ना, वन आवर, ठीक। फिर से अब हमने कहा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, और ये देखिए, ये देखिए, ये जो 200 वोल्ट दिया है आपको, यहाँ पे ये भी लिख लोगे V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ठीक है। बट ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो, करंट फ्लो हो, तो करंट फ्लो का डिफिनेशन आपको बताया था, यस, जब तक उसमें कोई सोर्स नहीं ऐड करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होंगे तो करंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमको सिर्फ दिया है कि हाँ इतना हमने सोर्स ऐड किया है तब जाके करंट फ्लो हुआ है। अब जो हमको पूछा है क्यू की वैल्यू, वो तो हमको आई, क्यू और टी, इन्हीं तीन रिलेशन से हमको मिल जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, है ना, यस। अब यहाँ पे ये आपको दिया है, तो ये दिया रहता है तो आप थोड़ा भाग जाते हो, अरे ये क्या दे दिया, ये तो हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं, बस डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है ना, कि हाँ सोर्स एड किया है तभी करंट फ्लो हो रहा है, यस। तो हमने तो डेफिनेशन में ही पढ़ा है, जब तक सोर्स नहीं लगाओगे करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, यस। इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यस। तो अब आई, क्यू और टी के बीच रिलेशन जानते हैं। तो फिर से हमने कहा कि क्वेश्चन को पढ़िए और ये देखिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है क्या उनकी यूनिट सेम यूनिट में है, समझ रहे ना, यस। तो आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये तो एसआई में दे दिया है करंट का, ठीक है। अब ये क्यू निकालनी है आपको, टी बराबर वन आवर, आवर जो है वह टाइम की एसआई यूनिट नहीं है, तो हम इसको एसआई में चेंज कर लेते हैं। तो वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो कितना हो गया, ठीक है, तो यहीं पर लिख लो, चलो अच्छा ठीक है, ये आपका आ गया 3600, अब आ गया सेकेंड। बस अब आपको Q की वैल्यू पूछा है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, कैपिटल आई स्मॉल आई कोई दिक्कत नहीं है, करंट है आपका, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई टी, बस वैल्यू रखो, Q इज इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या है, वेरी गुड, 0.5 इंटू टी का वैल्यू क्या है, 3600, है ना, ये वन प्लेस पर डेसिमल, ये वन जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ये एक डेसिमल हट जाएगा और ये जीरो कैंसिल होगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये हुआ आपका ये आंसर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या मिला आपको, निकाल लीजिएगा, Q इज इक्वल टू 0.5630, 5 3 15 18, और चार्ज कैसा यूनिट, कूलाम, ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। 1800 कूलाम चार्ज फ्लो होगा इन वन आवर उस इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है, और कुछ तो नहीं है, बस ये रहा आपका आंसर, है ना,
देखिए न्यूमेरिकल बहुत ईजी बहुत आसान होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट और आपको फार्मूले आना चाहिए, है ना। अभी हम आपको आगे सिखाएंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जो कि लास्ट है, उसके बाद हम लोग फिर से कल की क्लास करेंगे, ओके। तो ये भी न्यूमेरिकल आप कर ही लिए होंगे, है ना, तो ठीक है हम आपको बताते हैं ये कैसे आप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, फिर उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी है उनको नोट करो, फिर उसके बाद देखो क्या वो सेम यूनिट में है, है ना। अगर सेम यूनिट में होंगी तो हम डायरेक्ट फार्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे, और अगर सेम यूनिट में नहीं होंगे, सेम सिस्टम में नहीं होंगे, है ना, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक लैंप है ना, ड्रा अ करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर। तो जो करेंट है वो कितने का है, तो आंसर है 0.4 एम्पियर का है। विच लाइट फॉर 3 आवर, 3 आवर के लिए इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो जल रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ 3 आवर, ठीक है, ये रहा आपका। फिर क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आपको पूछा है, तो क्यू का वैल्यू आपको पूछा है, तो क्यू निकालनी है। बस इन तीनों के बीच रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, बस रखो सॉल्व कर जाओ। अब देखिए, तो हमने सबसे पहले बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटी दी है क्या वो उनकी यूनिट सेम सिस्टम में है, आंसर है नो। यहाँ पर है SI, ठीक है इसको रहने दो। टाइम है 3 आवर, तो ये आपका SI में नहीं है, तो इसको हम SI में चेंज कर लेते हैं। तो 3 आवर, 3 × 60 मिनट × 60 सेकेंड, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हुआ टाइम, बस क्यू की वैल्यू पूछा है, तो क्यू इज इक्वल टू होता है IT, तो क्यू इज इक्वल टू I का वैल्यू 0.4 इंटू टी का वैल्यू क्या है 3 × 60 × 60, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। अब 4.4 है, 1 प्लेस पर डेसिमल है, ठीक है, तो 10 से 1 पॉइंट डेसिमल रिमूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बस, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर जाओ 6 × 6 = 36 और 4 × 3 = 12, 12 × 360, ये हुआ। अब मल्टीप्लाई कर जाओ, Q इज इक्वल टू 12 000, ठीक है, 12 × 72 7 कैरी और 12 × 36 37 कितना होता है 43, बोलो 12 × 3 = 36 36 और 12 × 72 12 × 36, चलो ठीक है, तो ये हुआ 4320 और ये है ना आपका चार्ज। तो यहाँ पर I मतलब ये है आपका एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड ये है इसका यूनिट, और एम्पियर इंटू सेकेंड का ही नाम है यस कूलम। तो ये हुआ आपका क्यू इज इक्वल टू 4320 और ये क्या होगा आपका कूलम, बस ये है आपका राइट आंसर। इसी पर भी आप राइट आंसर कर सकते हो, ये ही आपका, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग कल की क्लास में क्या सीखेंगे, कल की क्लास में सीखेंगे कि हमारा जो अभी भी हमने ये वोल्टेज वर्ड सुना था, वोल्टेज और बोल्ट, है ना, वो क्या होता है उसको हम सीखेंगे कल की क्लास में, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कि कल की जो क्लास होगी वो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होगी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।